आईपीएल 2020 के एलिमिनेटेड मैच में एसआरएस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए। दूसरी ओवर की दूसरी गेंद पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए पहला झटका। विराट कोहली ने फुलिश ऑन द पैड गेंद को मारने की प्रयास की, लेकिन कीपर गोस्वामी को कैच देकर आउट हो गए। जेसन होल्डर के लिए पहला विकेट। चौथी ओवर की पहली गेंद पर एरॉन फिंच शॉर्टिश मिडिल गेंद को स्विंग करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री लगाए। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर पैडिकल शॉर्ट गेंद को पुल करने का प्रयास किए, लेकिन मिड विकेट पर प्रियंगर उछलकर गेंद को कैच करके उन्हें आउट किए। जेसन होल्डर का दूसरा विकेट। वैसे पैडिकल इस सीजन में बैंगलोर के लिए अच्छी बल्लेबाजी किए, लेकिन इस बार नहीं कर पाए। पांचवी ओवर की आखिरी गेंद पर एरॉन फिंच लेंथ आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर क्षेत्र में चौका लगाए और छठी ओवर की आखिरी गेंद पर एरॉन फिंच फुल एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पर बाउंड्री लगाए। पावर प्ले खत्म होने तक आरसीबी दो विकेट के नुकसान पर 32 रन बनाए। दसवीं ओवर की दूसरी गेंद पर एरॉन फिंच फ्लोटेड अराउंड ऑफ गेंद को स्लॉग स्वीप करते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाए। इंडियन टी20 लीग में उनके लिए 2000 रन पूरे हुए। वे 8 फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं। 11वां ओवर की दूसरी गेंद पर एरॉन फिंच टॉस अप अराउंड ऑफ गेंद को कवर के ऊपर से मारे, लेकिन अब्दुल समद गेंद को कैच करके आउट कर दिए। शाबाज नदीम का पहला विकेट। अगली गेंद पर एवी डी विलियर्स फ्लैटेड अराउंड ऑफ गेंद को थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री लगाए और उसी ओवर की चौथी गेंद पर मोइन अली रन आउट हो गए। 13वां ओवर की पहली गेंद पर एवी डी विलियर्स शॉर्ट अराउंड ऑफ गेंद को फील्डर के ऊपर से लंबा खींचते हुए चौका लगाए। 14 ओवर की दूसरी गेंद पर एवी डी विलियर्स फुल एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर क्षेत्र के ऊपर से एक और चौका लगाए। 15 ओवर की चौथी गेंद पर एवी डी विलियर्स फुलर गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में चौका लगाए। 16 ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे फुल लेंथ यॉर्कर गेंद को लेग साइड खेलने का प्रयास किए, लेकिन गेंद लीडिंग एज होकर मिड ऑफ फील्डर डेविड वार्नर के हाथों में गया और वे कैच आउट हो गए। जेसन होल्डर के लिए तीसरा विकेट। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर एवी डी विलियर्स लो फुल टॉस गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में चौका लगाए और इसी के साथ वे अपना अर्धशतक पूरा किए। 18 ओवर की पहली गेंद पर वाशिंगटन सुंदर फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को डीप पॉइंट के ऊपर से मारने का प्रयास किए, लेकिन समद अच्छा लो कैच पकड़ के आउट कर दिए। नटराजन का पहला विकेट। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर एवी डी विलियर्स नटराजन का यॉर्कर लेंथ गेंद को लेग साइड मारने का प्रयास किए, लेकिन सीधे स्टंप को लगकर आउट हो गए। नटराजन का दूसरा विकेट और आरसीबी के लिए बहुत बड़ा झटका। आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर नवदीप साइनी फुल गेंद को पॉइंट के ऊपर से चौका लगाए। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर मोहम्मद सिराज फुल आउटसाइड ऑफ गेंद को शॉर्ट फैन लेग की दिशा में चौका मारे। इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बल्लेबाजों में एवी डी विलियर्स बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए 43 गेंदों में 5 चौके की मदद से 56 रन बनाए और एरॉन फिंच 30 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 32 रन बनाकर अच्छा खेल दिखाए। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों में जेसन होल्डर 4 ओवर में 25 रन देकर 6.25 इकोनॉमी रेट के साथ 3 विकेट लेकर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाए और नटराजन 4 ओवर में 33 रन देकर 8.25 इकोनॉमी रेट के साथ 2 विकेट लेकर अच्छा खेल दिखाए और शाबाज नदीम भी अच्छा खेल दिखाते हुए 4 ओवर में 30 रन देकर 7.50 इकोनॉमी रेट के साथ 1 विकेट लिए। सनराइजर्स हैदराबाद लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली ओवर की चौथी गेंद पर उन्हें पहला झटका मिला। गोस्वामी फुल लेंथ आउटसाइड ऑफ गेंद को ड्राइव किए, लेकिन लीडिंग एज होकर कीपर एवी डी विलियर्स के हाथ में गया और वे आउट हो गए। बैंगलोर के लिए पहली सफलता। तीसरी ओवर की चौथी गेंद पर मनीष पांडे शॉर्ट गेंद को फुल करते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाए और यह एसआरएच के लिए पहला छक्का। चौथी ओवर की पहली गेंद पर मनीष पांडे फुलिश एंड अराउंड ऑफ गेंद को वाइड मिड ऑन की दिशा में बाउंड्री लगाए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर मनीष पांडे फुल आउटसाइड ऑफ गेंद को ड्राइव करते हुए कवर के माध्यम से चौका लगाए
पांचवी ओवर की पहली गेंद पर डेविड वार्नर फुलर ऑन ऑफ गेंद को कवर पॉइंट और कवर के बीच की दिशा में चौका लगाए। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर मनीष पांडे शॉर्टर साइड अराउंड ऑफ गेंद को मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से चौका लगाए। छठी ओवर की पहली गेंद पर डेविड वार्नर शॉर्ट एंड वाइड आउटसाइड गेंद को कवर क्षेत्र पर चौका लगाए। उसी ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड वार्नर शॉर्ट एंड वाइड आउटसाइड गेंद को स्विप करते हुए फील्डर के ऊपर से बाउंड्री लगाए, लेकिन उसी ओवर की चौथी गेंद पर डेविड वार्नर लेंथ गेंद को डिफेंड करने गए, लेकिन गेंद ग्लव्स को लग के कीपर एवी डिविलियर्स को कैच देकर आउट हो गए। मोहम्मद सिराज का दूसरा विकेट और आरसीबी के लिए महत्वपूर्ण विकेट। और अगली गेंद पर मोहम्मद सिराज के गुड लेंथ गेंद केन विलियमसन के पैड को लग के फाइन लेग के दिशा में बाउंड्री गया। पावर प्ले खत्म होने तक सनराइजर्स हैदराबाद 2 विकेट के नुकसान पर 48 रन बनाए। नवी ओवर की तीसरी गेंद पर मनीष पांडे फ्लैटर आउटसाइड ऑफ गेंद को ऑफ साइड खेलने का प्रयास किए, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे पर लगकर कीपर एवी डिविलियर्स के हाथ पर गया और वे कैच आउट हो गए। एडम जंपा के लिए पहला विकेट। 12वीं ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियम गर्ग लेग ब्रेक ऑन ऑफ गेंद को कवर के ऊपर से भारी शॉट लगाए, लेकिन गेंद सीधे एडम जंपा के हाथ में और वे कैच आउट हो गए। चाहल के लिए पहला विकेट और आरसीबी के लिए चौथा विकेट। 14 ओवर की 5वीं गेंद पर केन विलियमसन फुल ऑन ऑफ गेंद को स्लॉग करते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से भारी छक्का लगाए। 4 ओवर के बाद एसआरएच ने बाउंड्री लगाया। 16 ओवर की आखिरी गेंद पर केन विलियमसन गुड लेंथ गेंद को स्लॉग स्वीप करते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का लगाए। केन विलियमसन धीरे धीरे मैच को अपनी ओर मोड़ रहे हैं। 17 ओवर की चौथी गेंद तक एसआरएच 100 रन पूरा किए। अगली गेंद पर केन विलियमसन फुल अराउंड ऑफ गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में वंडरफुल ड्राइव करते हुए चौका लगाए। 18 ओवर की चौथी गेंद पर केन विलियमसन आउटसाइड ऑफ गेंद को थर्ड मैन की दिशा में एक और चौका लगाए। 19 ओवर की दूसरी गेंद पर जेसन होल्डर फुल एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को थर्ड मैन की दिशा में चौका लगाए। इसी के साथ जेसन होल्डर और केन विलियमसन के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। आखिरी ओवर की पहली गेंद में केन विलियमसन सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किए। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर जेसन होल्डर फुल एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर के दिशा में ड्राइव करते हुए चौका लगाए। अगले ही गेंद पर जेसन होल्डर फिर एक बार फुल एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को पॉइंट के दिशा में ड्राइव करते हुए चौका लगाए। इसी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद 6 विकेट से जीत हासिल किए और क्वालिफायर 2 के लिए क्वालिफाई हो गए। सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों में केन विलियमसन बहुत ही जबरदस्त खेल दिखाते हुए 32 गेंदों में 2 छक्के की मदद से 32 रन बनाए। वहीं मनीष पांडे 21 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 24 रन बनाकर शानदार खेल दिखाए और जेसन होल्डर 11 गेंदों में 8 रन बनाकर अच्छा प्रदर्शन दिखाए। दूसरी ओर आरसीबी के गेंदबाजों में एडम जंपा 4 ओवर में 12 रन देकर 3.00 इकोनॉमी रेट के साथ 1 विकेट लेकर अच्छा खेल दिखाए और चाहल 4 ओवर में 24 रन देकर 6.00 इकोनॉमी रेट के साथ 1 विकेट लेकर अच्छा खेल खेले।